साइटिका एक सनसनी की तरह आपके रीढ़ की हड्डी, पैरों, कूल्हों में इतना भयानक दर्द दे सकती है कि आपको चलने फिरने में भी समस्या हो सकती है, या आप लंगड़ाकर चलने लगे। कशेरुकाएं आपकी गर्दन और पीठ की हड्डियां हैं, इनमें असहनीय पीड़ा हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप बैठते कैसे हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं, तो आपकी हड्डी में, अगर आप यहां पीछे में दिखाऊं, अगर मैं ऐसे बैठा तो इस हिस्से में कर्व आ जाता है, ऐसे। अगर मैं ऐसे ऐसे बैठा हूं, ये यहां ऐसे ऐसे बैठे हैं, तो यहां कर्व आना शुरू हो जाता। अगर आप हड्डी को सीधा करके बैठे, चाहे ऊपर बैठे चाहे वो नीचे बैठे, सीधे बैठे ऐसे, अगर आपको पीछे भी बैठना है तो भी सीधे बैठे। तो जितना आप रीढ़ को, अपने स्पाइनल को सीधा रखेंगे, स्पाइन को अपनी, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। अब मैं आपको छोटी छोटी कुछ कसरतें, एक्सरसाइज बताता हूं। सबसे पहले आप अपने आसपास किसी चेयर का, दीवार का, स्टूल आदि का सहारा लेकर अपने पैर को ऐसे 1, 2, 10 टाइम्स, इसी तरीके से दूसरे पैर को भी 1, 2 ऐसे ही 10 टाइम्स। इस तरीके से अपने पैर को पकड़ लें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और इसे इस तरीके से स्ट्रेच करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर इसको स्ट्रेच करें और फिर आहिस्ता से इसको छोड़ें। फिर दूसरे पैर को उठाएं, उसको भी स्ट्रेच करें इस तरीके से, अच्छे तरीके से, और फिर उसे आहिस्ता छोड़ दें। इस क्रिया को 15 सेकंड तक कम से कम 3 बार करें। नीचे योग मैट बिछाकर आप लेट गए हैं, अपने हाथों को कान के पीछे ऐसे लगाएं और 20 डिग्री अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, 1 सेकंड रुकें। इस क्रिया को आप कम से कम 5 बार करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस क्रिया को बढ़ाते रहें। आहिस्ता से ऊपर आए, आहिस्ता से नीचे जाएं। इस पैर को उठाइए, दोनों हाथों से पकड़िए और अपने सीने की तरफ इसको दबाइए। आहिस्ता से फिर इसको छोड़ दीजिए। फिर दूसरे पैर को पकड़िए दोनों हाथों, दोनों पंजों से, और घुटने को ऐसे पकड़कर दबाइए अपने सीने की तरफ। इसको भी 5-7 सेकेंड, जितना भी आप कर सकें उसे करें, और इस क्रिया को 3 बार करें। अपने बाएं पैर को इस तरह से मोड़िए, दाहिने पैर को यानी सीधे पांव को यहां लाइए और अपने पंजे को, पैर के पंजे को हाथ के पंजे से पकड़िए, सीधे हाथ से सीधे घुटने को ऐसे दबाइए और यहां कम से कम 10 सेकेंड तक आप इत्मीनान से इसको होल्ड करके रखिए। फिर उसके बाद आहिस्ता से इसको नीचे छोड़ दीजिए। फिर दूसरे पैर को उठाइए और ऐसे ही इसके भी पंजे को पकड़ लीजिए, घुटने पर ऐसे हाथ रखिए और नीचे की तरफ दबाइए, जितना आप दबा सकते हैं जिससे आपको पीड़ा ना हो। इस क्रिया को भी कम से कम 3 बार 10 से 15 सेकेंड होल्ड करके करें। अब दोनों पैरों को अपने ऐसे सीने की तरफ घुटने को ले जाइए, फिर दोनों हाथों को यहां पकड़कर इसे दबाइए, होल्ड करके रखिए। हो सके तो इस तरह के सारे व्यायाम में, एक्सरसाइज में, अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, जिससे कि दुख डर के भाग जाए कि ये इंसान तो दुख में भी मुस्कुरा सकता है। फिर इसको आहिस्ता से नीचे छोड़ दीजिए।